जी गाइस, घूम आके पहुंच गए हैं शॉप वाली शॉप पे। ओ जूतों वाली शॉप पे। तो हाफ साहब आ गए हैं, अब यहाँ से देखते हैं कि हाफ साहब को पसंद आता है कि नहीं। चले नहीं, फाइनली हाफ साहब को मिल गए हैं। हाफ साहब के शूज मुबारक हैं, ढेर ढेर मुबारक हैं। हाफ साहब, हाफ साहब मुबारक हो, मुबारक हो वे। ओ खैर मुबारक। मैं आवाज क्या फिरदा हाफ साहब, क्या फिरदा तन जुत्ती ला दी हजार दिला दे बंदे है। इस दौर च समझ ला फ्री आई हजार रुपये। तो हाफ साहब कहते हैं कि यार रावलपिंडी में ना करतारपुरा एक जगह है, वहाँ की फूड स्ट्रीट बड़ी मशहूर है, तो वो मैंने फूड स्ट्रीट देखनी है। मैंने कहा चलें जी आपको फूड स्ट्रीट दिखा देते हैं। आप साहब ये वाली है जी फूड स्ट्रीट, ये काला खान निहारी हो गई, ये नान चने हो गए, ये सूफी खोए वाले मटन चने, ये वाले। तो ये बड़ी फेमस फूड स्ट्रीट है रावलपिंडी की, बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे सही रौनक मेला होता है सहरी टाइम, या अफ्तारी के बाद होता है और या फिर होता है सहरी टाइम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? भी ऐसे ठीक है। मैं हूँ नईम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल नईम पाक पतन वाला। अच्छा हाँ जी गाइस, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आपका रमजान कैसा चल रहा है? ठीक है, आज तकरीबन 27 रमजान हो गई है, तो उम्मीद है कि आपका रमज़ान अच्छा गुजरा होगा, इबादतों में गुजरा होगा। तो इसी के साथ आज का नया और मज़ेदार व्लॉग करते हैं शुरू। तो चलिए शुरू करते हैं। आज एक बैड न्यूज़ भी है और एक गुड न्यूज़ भी है। पहले बैड सुनाओ या गुड सुनाओ? क्या क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? पहले आपको बैड सुना देता हूँ। बैड न्यूज़ यह है कि ये मेरे पास हैंड फ्री है आईफोन 8 प्लस की, ये देखें। ये रात टाइम तक तो ठीक थी, इसकी ना ये दो साइडें, एक राइट वाली और ये एक लेफ्ट वाली। राइट वाली ठीक है और लेफ्ट वाली ना ऑटोमेटिकली खुद ही ख़राब हो गई है, पता नहीं क्या वजह बनी है। तो ये सुबह सुबह नुकसान हो गया। ये आईफोन की ओरिजिनल हैंड फ्री है ये वाली। तो चलें, ये तो थी बैड न्यूज़। और अब इसके साथ गुड न्यूज़ ये है कि हाफ साहब ने लेने हैं ईद के लिए न्यू जूते। तो हाफ साहब कह रहे थे कि यार चलो चलते हैं सदर बाज़ार रावलपिंडी, तो वहाँ से शूज़ वगैरह ले के आते। मैंने कहा चलें यार चलते हैं फिर। तो फिर उठे हैं, नमाज वगैरह पड़ी है, फ्रेश हुए हैं, तो अभी बस फिर चलते हैं। जी गाइस, धूप तो आज माशाल्लाह काफ़ी तेज़ है, लेकिन इतनी लग नहीं रही, उनके साथ हवा भी है, तो बड़ा मज़े का मौसम बना हुआ है। आप साहब ने बाइक निकाल ली है, तो अभी बस फिर चलते हैं। A few minutes later. जी गाइस, भी 10 मिनट सफ़र करने के बाद पहुँचे हैं PSO पेट्रोल पंप पे। तो हाफ साहब यहाँ पे पेट्रोल डलवाएंगे, क्योंकि पेट्रोल बाइक में थोड़ा था, इसलिए हाफ साहब को बोला कि डलवा दो। हाफ साहब 200 का पवा लेना। चले नहीं, पेट्रोल डलवा दिया तो फिर निकलते हैं। 15 मिनट्स लेटर। जी गाइस, घूम आके पहुँच गए हैं शॉप्स वाली शॉप पे, जूतों वाली शॉप पे। तो हाफ साहब आ गए हैं, अब यहाँ से देखते हैं कि हाफ साहब को पसंद आता है कि नहीं। हाफ साहब को जूता पसंद आ गया ना, समझ लें कि हाफ साहब की ईद है। बात तो सही है। अगर ना आया हो तो फिर अल्लाह वाली। सर साहब को एक शॉप से पसंद आई है जूती, लेकिन वो रेट इतना ज़्यादा मांग रहे हैं, बंदा क्या करे, उतने की चीज़ नहीं होती जितने वो पैसे मांग लेते हैं। आप इधर कहीं देखते हैं या उधर देखते हैं, कहीं और से हाफ साहब को ले कर देते हैं फिर आज जूते। अब इस शॉप पे आए हैं, यहाँ से देखते हैं। हाफ साहब इधर देखो, कोई पसंद आ रहा है? उम्मीद है कि यहाँ से कोई पसंद आ जाएगा और रेट भी हमें अच्छा मिलेगा। 1200 मांग रहे थे। नहीं, ये खान साहब 2800 चले नहीं, फाइनली हाफ साहब को मिल गए हैं। हाफ साहब के शूज मुबारक हैं, ढेर ढेर मुबारक हैं। हाफ साहब, हाफ साहब मुबारक हो, मुबारक हो वे। ओ खैर मुबारक। मैं आवाज क्या फिरदा हाफ साहब, क्या फिरदा तन जुत्ती ला दी हजार दिला दे बंदे है। इस दौर च समझ ला फ्री आई हजार रुपये। और तू की है 600 वाली, वो दौर गया ऐसा ही है ना? नहीं। हाँ जी गाइस, जूता वगैरह लेने के बाद फ्री हो गए हैं, तो अब हाफ साहब की आधी शॉपिंग हो गई और आधी शॉपिंग रह गई है। वो ये है कि हाफ साहब ने लेना है अतर। हाफ साहब बन्नी जाए ना? हाँ बन्नी जाए, बन्नी जाते हैं वहाँ से अतर लेना हाफ साहब ने।
इसको अतर लेके फिर चलते हैं वापस घर। ठीक, फाइनली कोई 10 मिनट की ड्राइव के बाद हम पहुंचे हैं परफ्यूम वर्ल्ड पे। तो यहाँ से हाल साहब देखते हैं कि परफ्यूम लेना है या अतर लेना है। माशाल्लाह वैरायटी तो बहुत है भाई के पास। मैंने कहा एक वाइट मस्क होता वो हमें थोड़ा सा चेक करवाएं, वो ये लेके आ गए हैं। ये दूसरा कौन सा है? हाँ ये जे डॉट वाला, ये लगाया भाई ने, ये एक ये जे डॉट वाला है। माशाल्लाह दोनों अच्छी खुशबू है। अभी देखते हैं इनमें से कौन सा लेना और आप साहब को जो पसंद आता है वो लेते हैं। तो हाँ जी गाइस, कुछ 10 मिनट लगाने के बाद हमें ये पसंद आए थे अतर। ये दो आप साहब के हैं और ये एक मेरा है। माशाल्लाह अच्छी खुशबू है इनकी, अच्छी फ्रेगरेंस है और लॉन्ग लास्टिंग भी है। तो बस ये दो ले लिए हैं तो आप फिर शील कर रहे हैं आप साहब। 15 minutes later. हाँ जी गाइस, हम तो घर जा रहे थे तो हाफ साहब कहते हैं कि यार रावलपिंडी में ना करतारपुरा एक जगह है, वहाँ की फूड स्ट्रीट बड़ी मशहूर है, तो वो मैंने फूड स्ट्रीट देखनी है। मैंने कहा चलें जी आपको फूड स्ट्रीट दिखा देते हैं। आप साहब ये वाली है जी फूड स्ट्रीट, ये काला खान निहारी हो गई, ये नान चने हो गए, ये सूफी खोए वाले मटन चने, ये वाले तो ये बड़ी फेमस फूड स्ट्रीट है रावलपिंडी की, बहुत पुरानी है। तो यहाँ पे सही रौनक मेला होता है सहरी टाइम या अफ्तारी के बाद होता है, और यहाँ फिर होता है सहरी टाइम, क्योंकि ये अभी सारी ना तैयारी श्यारी हो रही है। ये देखें हर चीज़ मिलती है, बड़े बड़ा मज़े का जायका होता है इनका। ये लाहौर में जो सुना होगा आपने फजे पाए वाला, ये इधर की इनकी बना के, और ये सारी चीज़ें इधर, ये बहुत मज़े की जगह। जब कभी आप आएँ रावलपिंडी तो करतारपुरा फूड स्ट्रीट एक बार लाजमी विजिट कीजिएगा। अब साहब जरा तुम कह रहे सो वो ये है जो आते हैं ना उसमें टिकटॉक में मास्टर लस्सी वाले, ये वो वाले हैं, ये उनकी फ्लैक्स लगी हुई। चले जी आप साहब को अरे खाप भी और पूरा करवा दें। हाँ जी ठीक है, और तो कुछ है नहीं देखनी। चले जी मैंने कहा ये इधर भी, ये सारी फूड स्ट्रीट है ये वाली, ये बाला टिक्का हाउस है, ये मेन बन्नी चौक है। मेन बन्नी चौक से आप जाएंगे इस साइड पर, राइट साइड पर ये हुक्का पानी वाली शॉप आई, तो हुक्का पानी शॉप से राइट ही आप जाएंगे तो ये सारी करतारपुरा फूड स्ट्रीट आ जाती है। चलें जी आप घर को निकलते हैं क्योंकि असर का भी टाइम होने वाला है, नमाज भी पढ़नी है फिर अफ्तारी की भी तैयारी करनी है। फाइनली पहुँच गए ड्राई फ्रूट वाली शॉप पर। खान साहब क्या हाल है और सुनाएं? अच्छा खजूरें दे देंगे 200 रुपये की। एक्चुअली वो खजूरें अफ्तारी के लिए ख़त्म हुई पड़ी थी, इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी लेनी क्योंकि 2-3 रोज़े रह गए हैं उसके लिए। ये वाली देनी है 200 की कर दें बस जी गाइस। खजूरें भी आ गई हैं और ये खोपरा भी आ गया है, क्योंकि मैंने कहा था शायद खजूरें लेनी है, आप सब कह रहे साथ खोपरा भी लेना। चलें आप खोपरा भी ले लिया और खजूरें भी ले ली हैं। हाँ जी गाइस फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह घर आ गए हैं खैर खैरियत से। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरा छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा। तो इसी के साथ फिर मैं कर रहा हूँ व्लॉग का एंड। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, यार सब्सक्राइब कर दें। आप लोग वीडियोस देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, अल्लाह पाक आपका भला करें, सब्सक्राइब किया करें। तो इसी के साथ मैं कर रहा हूँ व्लॉग का एंड, तो मिलते हैं किसी अच्छे और न्यू व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़ ओका फिर।